धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा त्रिक धिन धिन दे दे ते धगिन नाड धा ता धा कद कद गिन धा तेरे कद कद गिन धा ता धा धगे तेरे तेरे धगे तेरे धगे तेरे तेरे धगे तेरे तेरे धगे तेरे धगे तेरे तेरे धगे तेरे तेरे गिंद्रान धा गिंद्रान धा गिंद्रान धा। पैरों में घुंघरुओं की झनकार, शरीर में कमाल की लचक और चेहरे पर मन को मोह लेने वाली हंसी, विशाल कृष्णा। विशाल कृष्णा आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की दुनिया में एक उभरता और चमकता सितारा है। विशाल का जन्म बनारस के एक ऐसे परिवार में हुआ जो ना सिर्फ बनारस में बल्कि पूरे भारत में मशहूर था। विशाल की दादी स्वर्गीय श्री सितारा देवी जी भारतीय सिनेमा की एक मशहूर अदाकारा थी और कथक घराने की प्रमुख नृत्यांगना। वहीं इनके ताऊ जी स्वर्गीय श्री गोपी किशन जी भारतीय सिनेमा में अभिनय के साथ साथ भारत की बड़ी फिल्मों में नृत्य निर्देशन का कार्य कर रहे थे। कैसा रहा विशाल का ये सफर? कैसे एक नन्हा विशाल बिस्मिल्ला खान युवा अवार्ड से नवाजा गया? आइए इस सफर के बारे में जानते हैं आज के इस एपिसोड पर्सनालिटी थ्रू वन लेंस विद विशाल कृष्णा। नमस्कार विशाल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो नृत्य से कैसे हुआ? नमस्कार, मेरे फादर ने मुझे बहुत पहले मुझे एक बात बताई थी जो आई स्टिल रिमेम्बर, कि मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाते हैं। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मुझे लगता है कि जब हम मेरा जन्म हुआ और तब से लेके आज तक सिर्फ घुंघरू ही सुनते आ रहे हैं, दिन भर घरों में क्लासेस होते आ रहे हैं, फादर डांसर हैं मेरे। मेरी मम्मी डांसर नहीं थी बट उनको आई थिंक मुझे लगता है उन्होंने कई सारे क्लासेस भी मेरे फादर के ले ली जब मेरे फादर नहीं हुआ करते थे क्लासेस में। सो ऐसा कह सकते हैं कि जब जन्म हुआ तब से इतना डांस घर में हर रोज़ नृत्य देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रुझान उस तरफ अपने आप ही होने लगता है। और आई स्टिल रिमेम्बर जब ज़्यादा कब हुआ वो बता देते हैं कि जब ज़्यादा बहुत एकदम फोकस्ड हो गए कथक को लेके तब हुए जब मेरी दादी सितारा देवी जी ने मुझे एक बुलाया। बहुत सुंदर एक फेस्टिवल होता है बॉम्बे में श्रृंगार मणि जिसमें कलाकारों को अवार्ड दिया जाता है, इट्स हरिदास सम्मेलन, और जितने भी टॉप मोस्ट आर्टिस्ट डांसर्स रहे हैं वो सभी लोगों ने उसमें परफॉर्म किया हुआ है। तो एक एक टाइम था उस फेस्टिवल का जब एक पीक टाइम पे था, सो उसमें मुझे बुलाया। आई वाज जस्ट 16 इयर्स ओल्ड और आई परफॉर्म्ड देयर एंड दादी बहुत खुश थी कि चलो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कोई हमारे परिवार से कोई बच्चा बहुत अच्छा नाच रहा है। एंड देन आई केम बैक टू बनारस। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फ़ोन आया वापस से पापा को मेरे कि अभी अभी बहुत हो गया और उसको बोलो कि अभी कि तालाब में फुदकना बंद करे और समुद्र में आके ज़रा फूद के, तब उसको अपना खुद का लेवल पता चलेगा और पता चलेगा कि और कितने डांसर्स उससे बढ़िया नाच रहे हैं, तो उसको भेजो अभी मेरे पास में। तो माई फादर से अच्छा ठीक है भाई अभी तुम्हें बम्बई जाना है, सो आई इन अ सेकेंड आई डिसाइडेड कि नहीं अभी चलते हैं। टिकट विकेट हो गई, चले गए वहाँ पे और फिर वहाँ पे उनके साथ सीखना मेरा शुरुआत हो गई उनके साथ में सीखने की। सो एक बार उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी बैठे बैठे, उनको लेट नाइट जगने की बहुत बहुत आदत थी, तो रात का आई थिंक 2:30 या 3 बज रहा था और हम लोग टीवी देख रहे थे और टीवी बंद करके उन्होंने मुझे अचानक से एक बात कही कि तुम सपोज करो तुम एक पार्टी में गए हो जहाँ पे 5-10 हज़ार लोग हैं, 5 हज़ार लोग हैं और तुम्हें सबसे अपना इंट्रोडक्शन करना है ऐसे। फिर उसके बाद तो उन्होंने कहा कि जब तुम खुद से लोगों से बात करना शुरू करोगे ना तो उस 5,000 की भीड़ में तुम एक अकेले कलाकार होगे, बाकी सब इंजीनियर्स होंगे और डॉक्टर्स होंगे।
सो दैट आई रियलाइज कि हाँ ये तो बहुत सही बोल रही हैं कि कलाकार होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, अदरवाइज हर तीसरा बंदा कलाकार क्यों नहीं बन जाता है. फिर हमेशा उन्होंने मुझे अपनी स्ट्रगलिंग जो उन्होंने किया था उस दौर में जब लड़कियों को डांस करने नहीं देते थे और किस तरीके से उन्होंने डांस करना उन्होंने शुरुआत की, उनको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी. तो जब मैंने ये सारी स्टोरीज उनसे सुनना शुरू किया सो मुझे लगा कि नहीं नहीं मुझे एज ए प्रोफेशन इसको आगे लेके जाना है और अपने घराने का नाम मुझे और बढ़ाना है. जिस तरीके से इन लोगों ने इतना इतने सालों तक काम किया है वैसे ही मुझे भी आगे तो आगे बढ़ाने का श्रेय तो ये लोग इतनी आगे बढ़ा चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम इससे और आगे बढ़ा सकते हैं. बट जहाँ तक ये लेके गए हैं वहाँ तक इसको हम मेनटेन रखें और अपना जो ट्रेडिशनल कथक है उसको हम लोगों तक पहुँचाते रहें. और आई स्टिल रिमेंबर कि जब भी आई वॉज 3.5 years old और दादी जी बनारस आई थी और मेरा जो बड़ा भाई है ही प्लेज तबला, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ा बेटा तबला बजा रहा है तो चलो अभी तुम डांस करो अभी. सो उस दिन से उनके साथ तालीम शुरू हो गई. 3.5 साल के थे और मुझे पता भी नहीं है तब ताते थे शुरू हो गया मेरा. और फिर अपने आप आई डोंट नो सम हाउ क्या कनेक्शन हुआ कि सम हाउ अपने आप ही कथक के साथ ऐसा रिश्ता बना कि अब सब भगवान की कृपा से सब जानते हैं और अच्छे खासे महोत्सवों में कार्यक्रम करते रहते हैं. तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया कथक के साथ मेरा. विशाल जी हाउ यू विल रिमेम्बर, आप कैसे अपने पहली क्लास की मेमोरी को कैसे याद रखते हैं और कैसे रहा योगदान आपके परिवार का क्लास और शिक्षा में, क्योंकि जो बनारस घराना का कथक है वो बहुत ही तांडव प्रधान है, उसमें स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा मिक्स होता है, बहुत जंप्स होते हैं, जहाँ लखनऊ बहुत लास्ट से वाला. तो कैसे था ये, थका देने वाला था या क्या एक्सपीरियंस था, पेरेंट्स का क्या था और आपका कैसा रहता था कि आज मन नहीं है या क्या होता था बचपन में कैसा था? देखिए मेरे फादर तो इस तरीके से नहीं सिखाया है बट दादी ने बहुत सिखाया है, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस कराया. पिताजी भी कराते थे रियाज, बट जिस तरीके की आप बातें कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ वाओ फैक्टर है वो एक्चुअली मुझे सितारा जी ने मुझे बहुत बताया उसके अंदर. बिकॉज गोपी जी की जब भी फिल्में आती थी और क्या होता था, जब भी फिल्में आती थी तब मेन सीन निकल चुका होता था, हम सिर्फ एक्टिंग पोर्शन देख पाते थे और डांस पोर्शन नहीं कभी भी देख पाते थे. तो वो अभी इतना मुझे याद भी नहीं है मुझे मेमोरी में इतना, बट दादी बताती थी जब भी whenever she used to teach तोड़ा या परन कभी भी ना, तो वो हमेशा बोलती थी अभी गोपी यहाँ से छलांग लगा के वहाँ तक जाता है तो तुम अभी करना है तुम्हें. आई सेड कैसे, अब आप सोचिए कि वो 90 साल की लेडी मुझे बैठे बैठे करके बताती थी कि अभी ऐसे पोजीशन रखना है, ऐसे जंप मारना है, वो सारे टेक्निक्स, इवन स्लाइडिंग के टेक्निक्स. और स्पेशली उनका क्लास लेने का तरीका इतना अच्छा होता था कि अभी योगा इज़ वेरी मच फेमस नाउ, अभी की जनरेशन में सब कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि जब हमारा क्लास शुरू होता था ना तो पहले योगा से शुरू होता था हमारा क्लासेस. और उसका फ़ायदा उसका बेनिफिट हमें बाद में कथक में हुआ हमें कि इतने हमारा जो अंगों में इतने जो हमारे आप देखते हैं ना जो इतना स्ट्रेच करते हैं हम लोग अंगों के साथ, जो स्प्लिट करते हैं और जो स्लाइड्स करते हैं, तो बिकॉज ऑफ उस रियाज की वजह से ही करते, जो उन्होंने हमेशा रियाज के बाद और रियाज के पहले ऑलवेज 10 मिनट का स्ट्रेचिंग का होता था सेशन हमारा, जिसमें उनको कराना ही होता था कि तुम 2 घंटे नाचो तुम 3 घंटे नाचो वो तुम्हारा मतलब नहीं है लेकिन तुम्हें स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आज मुझे इतना काम आ रही है कि जब मैंने पूरी वीडियो देखी पूरी फिल्म देखी झनक झनक पायल पायल रहे तब मैंने उनमें से पॉइंट्स निकालने शुरू किए कि अच्छा ये गोपी जी का यूनिक पोर्शन था, ये जो सब मारते थे ये उनका यूनिक था. फिर सिखाने के टाइम पर दादी हमेशा बताती रहती थी कि गोपी ऐसे करते थे गोपी वैसे करते थे, गोपी ने ऐसे एक समारोह में ऐसे स्प्लिट करके पूरा शो पूरा जीत लिया था ऐसे. तो बहुत सारी स्टोरीज मैंने उनसे सुनी है. और क्लासेस में ऑलवेज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, कभी ऐसा नहीं होता था हम लोगों को कि घर के बच्चे हैं तो हमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा सिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था. हमेशा जो नॉर्मल सब सीखते थे वही हम भी सीखते थे. बट ये होता है आप कह सकते कि खून में ही कथक था तो शायद कोई भी ऐसी चीज़ जब करते थे तो वो कुछ अलग दिखती थी बाकियों सबसे, है ना. तो क्लास का माहौल बहुत नॉर्मल हुआ करता था जैसे सबके क्लासेस होते हैं. तो वो हमेशा दो बातें मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि प्यास लगी तो पानी पीते हो ना, तो रियाज की प्यास क्यों नहीं लगती है.
रियाज की भूख क्यों नहीं लगती? जब टाइम टू टाइम तुम्हें सोने का की फीलिंग्स होती है, जब सोने की फीलिंग होती है, भूख की फीलिंग होती है, घूमने की फीलिंग्स होती है, शॉपिंग की फीलिंग होती है, तो रियाज की फीलिंग क्यों नहीं होती है? तो इसको भी अपने रूटीन में शामिल करो, अपने फीलिंग्स में लेके आओ कि नहीं भाई हमें ये टाइम हुआ 5 बजा शाम का, तो भैया हमें घुंघरू बांध लेना अभी। तो ये सितारा जी का भी कहना था रियाज। फिर बाद में पता चला कि भैया रियाज करने का जो महत्व होता है वो क्या होता है, कि कभी आप बहुत बीमार होते हैं और आप रियाज में नहीं भी होते तो आप अच्छा परफॉर्म करके आ जाते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपके गुरुओं ने आपको पहले इतना रियाज कराया है, तो वो दिन जब आप बिना रियाज के परफॉर्म करते हैं तब आपको समझ में आता है कि रियाज करना कितना बहुत ज़रूरी है। अच्छा विशाल जी, आप यूजुअली पूरे साल घूम रहे होते हैं, अलग अलग महोत्सवों में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जब आप नृत्य नहीं कर रहे होते उस वक्त आप करते हो? घूमना नहीं, बट स्पेशली इन बनारस में घूमना। बनारस आज भी आपको उतना ही? हाँ, बनारस मुझे आज भी बहुत पसंद आता है, और स्पेशली यहाँ के जो चाय हैं मुझे बड़े मज़ा आता है, और स्पेशली यहाँ का टेम्पल्स। तो जब भी आई मीन बनारस, तो मुझे मेरा एक काम होता है कि हर एवरीडे मेरा कोई ना कोई टेम्पल में मेरा जाना होता है, और स्पेशली घाट तो ऑलवेज आना होता है, क्योंकि सबसे सुकून सबसे मज़ा मुझे यहीं मिलता है। और जितनी शांति मुझे यहाँ मिलती है, जितना अच्छा अंदरूनी एक होता है ना, एक बाहर से दिखावा करके आपको मज़ा लेना और एक अंदरूनी आपको मज़ा लेना, तो मुझे सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि मज़े मुझे तभी आता जब आई एम एट होम स्पेशली, और मम्मी के हाथ का खाना, उसके बाद क्या है, फिर शाम को टेम्पल, और फिर घाट, और यहाँ की चाय। तो आपको मतलब पार्टी और फिल्में और इन सब में कोई जाते? फिल्में पार्टीज भी जाते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं जाते, ऑफकोर्स जाते हैं। फिल्में देखना वही पसंद करते हैं जो कि पता होता है कि इसका रिव्यू बहुत अच्छा है, या मेरे कुछ फेवरेट आर्टिस्ट हैं जिनको हम देखना पसंद करते हैं, तो अगर उनकी बहुत ही फिल्में ऐसी भी आती हैं जो नहीं चलती हैं बट फिर भी जाते हैं देखने के लिए। मेरे कुछ एक दो एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में मस्त, विद्या बलन और कंगना रनौत। एक्टर्स में आमिर खान, तो इनकी फिल्में होती हैं, जैसे मुझे बीच में एक फिल्म आई थी दृश्यम, मैंने बहुत बार देखी, और स्टिल अभी भी टीवी पे आती तो सबका छोड़ के पहले दृश्यम देखते हैं बैठ के। फिल्में देखना भी आप कह सकते हैं कि फिल्में देखना भी पसंद आता है, दोस्तों के साथ भी, क्योंकि दोस्त बहुत सारे हैं मेरे, बहुत लोग मुझे यहाँ जानते हैं, तो सब कहीं ना कहीं मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि भाई कहाँ हो, अभी आ गए हो, मिलो, लेट्स मीट। तो क्या होता है कि 4 दिन के स्केड्यूल में मुझे लगता है आधे टाइम तो उनके साथ ही घूम रहे होते हैं, या उनको बोलते चलो अभी मंदिर चलो मेरे साथ में। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो मेरे साथ मंदिर भी जाना पसंद करते हैं, सो वो एवरीडे मुझे खुद ही फ़ोन करते हैं, फैमिली बनारस तो बोलते भैया आज चलो ये डे है तो तुम यहाँ जा रहे हो, हमें भी ले चलो। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिसमें कि कौन से वो परफॉर्मेंस है जिसको आपको लगता है कि वो आपके लाइफ के वो परफॉर्मेंस है जो आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, कि हाँ ये विशाल कृष्णा का परफॉर्मेंस है, और उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कौन से ऐसे परफॉर्मेंस है जिन्हें आप खुद भी याद नहीं करना चाहेंगे कि ये मैंने क्यों किया और ये क्या हो रहा था स्टेज पर। कई बार ऐसा होता है कलाकारों। हाँ, प्लीज मुझे शेयर कीजिए। जो फेस्टिवल था वो कथक केंद्र के द्वारा आयोजित था, और उसका नाम है कथक महोत्सव, अभी भी स्टिल होता है। सो मुझे लगता है कि वो मेरे एक कहते हैं ना आप एक स्टेप ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो मेरे परफॉर्मेंसेस में एक बहुत यादगार था, क्योंकि वो एक तो यादगार इसलिए भी था क्योंकि मेरे फादर उस टाइम पे मेरे साथ में थे, एंड उनका पढ़न ही लोगों को बहुत मज़ा आता था सुनने में, सो ही वॉज विथ मी। और somehow कभी कभी ऐसा होता है जब घरानों की बात उठती है तो क्या होता है कि आपको अपने आप को खुद को प्रूव करना होता है उस दौरान, तो शायद मैंने कहीं ना कहीं हम उस बनारस घराने के बारे में जिन लोगों ने सिर्फ सुना था, जो यंगस्टर्स थे, खासकर जो गुरुज वहाँ बैठे होंगे वो तो देखे ही होंगे हमारे बाकी लोगों को, लेकिन जो यंगस्टर्स थे उन्होंने कभी नहीं देखा था बनारस घराना। सो आई थिंक वो एक ऐसा परफॉर्मेंस हुआ जो लोगों को एक दूसरे स्पेशली मेरे लिए एक दूसरा एक पायदान था, और उसी के बाद से मुझे लोग वहाँ पे दिल्ली में स्पेशली और सारे लोग मुझे उसके बाद से ही जानने लगे। और आई स्टिल रिमेम्बर कि दादी का पहला बरसी था और बॉम्बे में शो था, NCPA में शो था, वो सेकंड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जब किशोरी ताई जी, किशोरी अमोनकर जी उस परफॉर्मेंस में आई हुई थी, और मेरा परफॉर्मेंस शुरू होने ही वाला था और आलाप शुरू हो गया था, हमारे जो वोकलिस्ट थे वो गाना शुरू करने वाले थे, और मेरी एंट्री थी और आई वॉज बैक स्टेज थे, टाटा थिएटर की बात है, बैक स्टेज खड़े थे, और किसी ने मुझे आके बोला अचानक से
कि किशोरी ताई आई हैं. तो मैंने कहा और हम एकदम परफॉर्मेंस करने जाने वाले थे. सो मैंने एकदम हम बोले मैं किसको बोलूँ, तो मैंने फटाफट मेरे अंकल को बोला रंजीत भरोट जी को, रंजीत अंकल को, कि और ये किशोरी जी आई हुई हैं. और जैसे ही वो बैठी और मेरा परफॉर्मेंस शुरू हुआ, और फिर आई स्टिल रिमेम्बर कि उन्होंने इतना बड़ा फेस्टिवल मुझे दिया गाने सरस्वती, जब जिसमें कथक नहीं होता था कभी भी. उन्होंने मुझे बोला कि सामने कथक कभी नहीं होता है और फिर तुम्हारा परफॉर्मेंस उसमें रखना है. एंड आई वॉज यंग, सो इतनी खुशी हुई मुझे उसमें जहाँ पे इतने ग्रेट गुरुज के लाइनअप्स थे उस परफॉर्मेंस में, और उसमें एक मेरा परफॉर्मेंस हुआ. और स्पेशली उन्होंने मुझे मेंशन किया कि जब मैंने तुम्हारा डांस देखा तो पूरे रात सिर्फ तुम्हारा डांस मेरे दिमाग में चल रहा था, कि वो तुम्हारे एक एक मोमेंट्स, एक एक तुम्हारी बंदिशें, वो रात भर मेरे दिमाग में चल रहा था. और फिर तो ऐसी बात जब कोई आपको इतना ग्रेट गुरु आपको आके बोले, तो आपको लगता है कि आपने जो सीखा अपने गुरुओं से आपका जीवन सफल हो गया है. और फिर एक बार वसंत उत्सव में हम नाच रहे थे कुछ 2 साल पहले, और महाराज जी ने ये बात कही कि ये जब नाचता है तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत मज़े लेके नाचता है. बनारस के पंडित परदादा सुखदेव जी महाराज पहले गाना बजाते थे, नाच उन्होंने देखा. फिर उन्होंने कहा मेरे पिताजी से बगैर गंडा बांधे हुए गुरु के बगैर अंधेरा ही अंधेरा है. तब उन्होंने गंडा बांधा और यह आशीर्वाद जैसा इसने कहा कि घर का बच्चा बच्चा नाचता रहेगा. तो आप यकीन माने उस घर में सब नाचते, सारे बच्चे से बच्चे, बड़े से बच्चे, सब नाचे. तो ये भी ईश्वर के पास है, खूब हिम्मत कर रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं. हस्तके चेहरा मुख विलास आनंद लेना इस लड़के को आता है. अपना आनंद लेना आता है, ये सबसे बड़ी बात है. क्योंकि अपना आनंद ना ले पाया वो जो भी टुकड़ा आ रहा, जो तिहारी इसका आगमन हो रहा है तुम्हारे शरीर में. तो ऐसी जब आपको ग्रेट गुरुज, जब आपको ऐसे बड़े बड़े लोग जब आपको आके तारीफ करें, और स्पेशली आई रिमेम्बर कि किसी की शादी में भी हम गए थे और दिल्ली में, और तभी अमजद अली खान साहब की वाइफ ने मुझे पहचान लिया, और अमजद अली खान साहब को उन्होंने बुलाया, खान साहब को बोल के बोला कि अरे ही इज़ विशाल. सो तो मुझे लगा कि शायद आप मुझे नहीं जानते. मैंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे कहा, नहीं नहीं मैंने तुम्हारा नाम सुना हुआ है. सो जब इतने ग्रेट गुरुज आपको बोले, तो मुझे लगता है वो एक समारोह ऐसा हुआ कथक महोत्सव, जिससे मुझे कह सकते हैं कि मुझे एक सीढ़ी चढ़ने का मुझे मौका मिला इसमें. और वर्स्ट परफॉर्मेंस अभी मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी आई डोंट थिंक सो मैंने कभी इतना वर्स्ट डांस किया अपनी लाइफ में. आई थिंक हाँ वर्स्ट सिचुएशन रहे हैं स्टेज पे, एक दिल्ली में ही शो हुआ है, और मेरा और मेरे साथ में एक महाराज जी की ग्रैंड डॉटर भी थी, रागिनी महाराज भी थी, डांस कर रही थी. हमारा एक डुएट होता है, कृष्ण प्रिया था हमारा उस दौरान. सो उस दिन वो स्टेज पे क्या हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था. वो मेरा सबसे वर्स्ट कह सकते हैं परफॉर्मेंस, मेरा परफॉर्मेंस नहीं कह सकते. वहाँ एटमोसफेयर ऐसा था कि एक होता ना आपका मूड ही नहीं था परफॉर्म करने का, और आप बस कर रहे हैं अभी, ऐसा वाला था. तो वो एक फेस्टिवल था. हाँ. विशाल जी एक चीज बताइए, अभी आपने रिसेंटली दिल्ली में एक परफॉर्मेंस की, गीत हो गए. हाँ. एक तो इस परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, और दूसरा परफॉर्मेंस जो मुझे जानना है, आपने बहुत ही अच्छी नृत्य नाटिका की थी हेमा मालिनी जी के साथ. हाँ. वो कैसे आया, वो कैसे ग्राउंड पे हुआ, कैसे ये प्रोजेक्ट आपको मिले, और कैसे आपने परफॉर्म किया? बिकॉज आप लग रहे थे कि सच में कृष्ण आज धरातल पे आए हैं, और लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वो नाम तो कृष्णा है ही, वो दिखता भी है, और उसके लक्षण और उसका चरित्र भी वैसा ही. तो कैसे कैसे मिला प्रोजेक्ट आपको, कृष्णा कैसे नाम के जैसा कैरेक्टर और ये एकदम चरित्र? ये भी इसका क्रेडिट भी दादी को ही जाता है, क्योंकि एक्चुअली हमारी फैमिली में क्या होता था शुरू में, जब डांस करने को नहीं था, जब डांस लोग तवायफो ही करती थी कथक को, और जब पुरुष नहीं नाचते थे ऐसा कह सकते थे, पुरुष बहुत कम थे नृत्य में. सो भक्ति रस नहीं था कथक के अंदर, भक्ति रस को वापस लाने के लिए तो हमारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे सुखदेव महाराज जी, उन्होंने क्या किया कि
जो भी पुरुष रहे हैं उनको कृष्ण बना देते थे और जो स्त्री रहती थी वो हमेशा राधा के टायर में नृत्य करती थी। सो इस तरीके से शुरुआत हुई, कृष्ण बनने का मेरा सिलसिला शुरू हुआ वहाँ से। बचपन से ही कृष्ण 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 बनाना शुरू किया हमारे परिवार के लोगों ने मुझे। सो समहाउ आप जब इतने सालों से उस करेक्टर को निभा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको इतना ज़्यादा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि फिर आपके बाकियों में भी वो चीज़ें दिखने लगती हैं, मतलब आपके बाकी के किरदार। जैसे हम लोगों के साथ भी ऐसे घूमते हैं, मेरी लड़कियाँ बहुत सारी फ्रेंड्स रही हैं और जब स्कूल में पढ़ाई होती थी तो मुझे स्टिल रिमेम्बर, मुझे याद होता था कि पापा भी उसे स्कूल में टीचर थे और जब भी खेलते थे हम लड़कियों के साथ में तो सारे मैं टीचर्स मेरे फादर को बुला के यही कहती थी, देखिए कैसे कृष्णा सखियों के साथ खेल रहा है, कितनी सारी गोपिकाएं हैं। तो ये सब चीज़ें समहाउ आई डोंट नो बचपन से ही मेरे अंदर थी। और बहुत सालों पहले आई थिंक 17-18 साल के थे तभी आई थिंक हेमा जी एक परफॉर्मेंस करती हैं अपने बॉम्बे में ही कराती हैं अपनी माताजी के नाम से, जया स्मृति उस फेस्टिवल का नाम है। और फिर मुझे वहाँ पे उसके लिए ऑफर आया था करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए मुझे आया था वहाँ पे और वही सेम कृष्णा के अटायर में मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था। और फिर वो देख के बहुत ही उनको खुशी हुई थी देख के मेरा डांस। और फिर कुछ 2-3 महीने के बाद ही मुझे उनकी बहन का फ़ोन आया कि हेमा जी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। आई सेड अच्छा ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हेमा मालिनी जी, द हेमा मालिनी मुझसे बात करना चाहती हैं। सो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम मेरे साथ क्या डांस करना पसंद करोगे। आई सेड ऑफ कोर्स, हर कोई करना चाहेगा आपके साथ में डांस। सो मैंने उनको बताया कि अरे हाँ मैं कथक डांसर, तो बोली कि अरे कोई बात नहीं है तुम बम्बई आ जाओ और तुम हमारा प्रोडक्शन देख लो पहले एक बार। और खुद उसमें 3 पीसेस थे मेरे जिसमें एक डांस का पीसेस था पूरा, वो खुद बैठ के उन्होंने कोरियोग्राफ किया मेरे लिए प्लीज। और फिर हम लोगों ने साथ में लंच भी किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने तुम्हारा डांस देखा तो मुझे अभी भी स्टिल याद है कि गोपी जी किस तरीके से हमें फिल्मों में नचाया करते थे और तुम्हें देख के मुझे याद आ रहा है कि मैंने कथक में क्या क्या सीखा है। मुझे खुद तुम्हारे वो स्टेप्स, तुम्हारे फुटवर्क्स देख के मुझे सब वो हम फ्लैशबैक में जा रहे थे पहले कि किस तरीके से कथक को भी मैंने फिल्मों में कितनी बार किया। फिर वो मुझे फिल्मों के नाम गिनाने लगी बैठ के और फिर मुझे क्या क्या बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, मेरे परिवार की स्टोरी सुनाई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे मेरी फैमिलीज़ की सुनाई। सो इस तरीके से हेमा जी के साथ में वो प्रोडक्शन हुआ जिसका नाम था यशोदा कृष्णा। वो यशोदा थी और मैंने कृष्ण का भूमिका निभाई और आई थिंक मुझे लगता है बहुत सारे हमने शोज़ किए उनके साथ में। और गीत गोविंद का प्रोजेक्ट नम्रता राय जी हैं जो दिल्ली में रहती हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं वो भी, तो उन्होंने बहुत साल पहले भी मुझे एक बार ट्राई किया था बट समहाउ नहीं हो पाया था। फिर इस साल उन्होंने मुझे बोला, मुझे मिलने आई दिल्ली में और मुझे कहा कि हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है और हमें लगता है कि तुम ही उसमें सूट करोगे और कोई नहीं उसमें सूट बैठेगा क्योंकि क्योंकि उसमें ज़्यादा वो मोर अभिनय है उसके अंदर, ज़्यादा मोर बहुत ज़्यादा से कथक जैसे उसमें थोड़े टुकड़े परन नहीं है। सो मुझे लगता है तुम बहुत उसको अच्छे से कर निभा पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है ज़रूर करेंगे। फिर मैंने उसके गाने सुने, उसका म्यूज़िक इतना सुंदर, हमारे भैया ही कह सकते हैं, सब फील्ड में हमारे तो सब रिलेशन ही हो जाते हैं। सो उदय मजुमदार जी ने उसको इतना खूबसूरती से उसको सजाया है उसके म्यूज़िक को और वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था नम्रता जी का क्योंकि वो उनके गुरु जी जो पंडित मधुकर आनंद जी हैं वो तब से चला आ रहा था वो। और आई थिंक वो 2006 से वो प्रोजेक्ट बना हुआ था और फिर उसके बाद उनको वो करना ही था वो प्रोजेक्ट। सो इस तरीके से वो गीत गोविंद हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया दिल्ली में और इतने सुंदर उसका आयोजन हुआ और आई होप आपने तो खुद भी देखा है वो। सो और जितनी भीड़ वहाँ पे पहुँची थी उस गीत गोविंद को देखने के लिए और खुद भी क्या होता है बहुत अच्छी चीज़ें सीखते भी हैं क्योंकि कभी ऐसा प्रोजेक्ट मैंने कभी नहीं किया था जिसमें ज़्यादा अभिनय हो। आप हमेशा होता ना आप जितना काम करते जाएंगे आप उतना ही क्या कहेंगे उसको एक्सपीरियंस आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से दोनों प्रोजेक्ट हुआ और दोनों से मुझे बहुत 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 सीखने को मिला और स्पेशली गीत गोविंद जब हुआ तो उसने मुझे दूसरी पहचान दे दी कि नहीं विशाल अभी डांस तो कर सकते हैं लेकिन अभिनय भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं। सो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही। जैसे आज इतने सारे ट्रांजिशन आ रहे हैं डांस में, नई नई चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, नए नए विधाओं का समावेश हो रहा है एक दूसरी नृत्य शैलियों से, आप कैसे देखते हैं कि कथक का पर्टिकुलर क्या भविष्य होगा? क्या आपको लगता है कि ये अपने प्योर फॉर्म में रह पाएगा या इनोवेशन जरूरी भी है या क्या आपको लगता है कि क्या
आने वाला भविष्य क्या होगा नृत्य शैलियों का, क्लासिकल का? देखिए, क्लासिकल का भविष्य आने वाले समय में तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड. जितना पुराना है उतनी उसकी चमक बरकरार रहेगी. और जितने भी आधुनिक चीज़ें आजकल हो रही हैं, वो तो आज होंगी, कल गायब हो जाएंगी. कल उसको करने के लिए कोई दूसरा आ जाएगा. और आई होप, हम यही आशा करते हैं कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो आज परफॉर्म कर रहे हैं और आज अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वो जितना आप इसके कहते हैं ना, आप इसको जितना आप ट्रेडिशनली परोसेंगे ना, आप जितना ट्रेडिशनली आप परफॉर्म करेंगे ना, उतना लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा ना, कि जितना आधुनिक चीज़ें आप कर रहे हैं. जैसे मुझे भी कई बार ऑफर्स आए हैं कि आप क्यों नहीं फिल्मी गानों पे कथक करते हैं. कितने सारे रियलिटी शो में आते हैं और वो कहते हैं कि भैया, आपको कथक में सेलेक्शन कर किया है. फिर हम उनको यही रिप्लाई करते हैं कि मतलब अभी आप एक एपिसोड में कथक कराओगे, आने वाले दो एपिसोड के बाद आप खुद बोलोगे कि भैया अभी चलो ये फिल्मी गानों पे कथक करो. सो मैंने खुद को इसलिए अपने आप को बचा के रखा. और कभी भी किसी भी रियलिटी शो से ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस नहीं मैंने हम हुए कि नहीं मुझे रियलिटी शो में ही जाना है. क्योंकि मुझे पता है कि ये चार दिन की चांदनी, मेरी दादी ने बहुत पहले ही मुझे बात कही थी कि बेटा, ये चार दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात होती है इसकी. तुम चार दिन तक टीवी पे दिखोगे, तुम्हारा नाम रहेगा, उसके बाद कोई दूसरा आ जाएगा रियलिटी शो, कोई दूसरे बच्चे आ जाएंगे और फिर वो दिखने लगेंगे. तो इसलिए हम लोग, और शुरू से बनारस घराना क्या ऐसा रहा है ना, कि हमेशा जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसको ज़्यादा हम लोगों ने बढ़ावा दिया है. और बहुत पहले मुझे किसी ने एक बात कही थी कि तुम्हारा जो स्टाइल है वो खुद ही इतना ज़्यादा कंटेम्प्रेरी है कि अभी तुम्हें और उसमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं. जो तुम्हारे दादा गुरु लोगों ने इतने साल पहले, 60 साल पहले जो झने झने पायल बाजी में जो गोपी कृष्ण जी ने नाच दिया, अभी उससे ज़्यादा, उससे उसको उससे ज़्यादा भी अभी क्या कहेंगे, उससे ज़्यादा आप क्या उसमें आप प्रयोग करना चाहेंगे, आप मुझे बताइए. प्रयोग बहुत सारे हो रहे हैं, बट मेरे फादर का कहना ये था कि प्रयोग उतने ही होना चाहिए जिससे उसका जो लाइन है वो ख़राब ना हो. जो उसका अपना जो एक एसेंस है ना, वो ख़राब नहीं होना चाहिए. सभी करते हैं, इवन महाराज जी भी करते हैं प्रयोग. कितने सारे चीज़ें उन्होंने नए नए प्रोडक्शंस बनाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कथक से हट के कुछ किया है ना. और भविष्य, हम तो हर कोई चाहेगा कि फिर इसका भविष्य हमेशा अच्छा रहे. आने वाले युवाओं को के लिए ही हम सब जब भी नृत्य करते, ज़्यादातर युवाओं को ही प्रेरित करते हैं हम सब कि भाई, आप जब भी नृत्य करो या फिल्मी गानों पे कथक करके आपको क्या मिल जाता है. मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि आपकी के लाइक्स बढ़ रहे हैं ये मान सकते हैं, आपके व्यूवर्स बढ़ रहे हैं ये मान सकते हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन पे इसका बहुत ख़राब प्रभाव पड़ रहा है. क्योंकि जो भी आता है वो यही बोलता है कि हमें फिल्मी गानों पे कथक सिखा दीजिए. तो कह सकते हैं कि अच्छा भी पड़ रहा है और बुरा भी पड़ रहा है. बट हम चाहते हैं कि भाई इसका हमारी फैमिली और आने वाले जितने भी हमारे गुरुज हैं वो सब लगे हुए हैं कि इसकी अपना जो उसका खुद का वजूद है वो कहीं ना कहीं ना खो जाए. इसलिए वो सब लगे हैं कि जो उसका ट्रेडिशनल वे है परफॉर्म करने का वो आज भी बरकरार है और हो ही रहा है आज भी. आप दुनिया के सबसे प्राचीन जमीन या शहर से हैं, जो कि ये काशी विश्वनाथ जगह है हमारा. इतना खूबसूरत ये शहर. इस शहर से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इस शहर से बिस्मिल्ला खान जी हैं, भारत रत्न. और आपको बिस्मिल्ला खान अवार्ड वो आपको 2015 में मिल भी चुका है. तो इस ज़मीन को कैसे आप देखते हैं, कैसे आप इस माटी को अपने नमन करते हैं, क्या है वो चीज़ जो इस माटी को आपको हमेशा लुभाती है कि हाँ ये. देखिए, सब जो कहानियाँ हैं ना हमने अपने गुरुओं से सुनी हैं. मेरी दादी हमेशा कहती थी कि यहाँ का जो रस है ना वो बना हुआ है, इसलिए इसका नाम बना रस पड़ा है. तो यहाँ एक अजीब सा एक इसका एक माहौल है और इतना सुंदर है ना कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा अट्रैक्शन है, ऐसा कहते हैं. क्योंकि मैंने इसे सुना है और शायद सच भी है कि जब शिव जी ने इस नगरी को बिठाया था, जब बनाया था उन्होंने, तो पार्वती जी आकर्षित होकर इस शहर में बसने के लिए आई थी. तो वो जो आकर्षण है वो कहीं ना कहीं इसमें अभी भी स्टिल घूम रहा है. जो कि मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं यह बात बोलते हुए कि कहीं भी पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं हम सब, यहाँ पे इतने विदेशों में घूमते रहते हैं, इतने अच्छे सिटीज़ में घूमते रहते हैं, बट एक कहते हैं जो एक सुकून है
जो इस धरती पर आता है वो शायद कहीं नहीं आता है। और जो मैंने आपने जब पहला क्वेश्चन भी पिछला क्वेश्चन मुझसे जब पूछा था कि आप मज़े के लिए क्या करते, तो मैंने यही कहा था मज़े के लिए कि हम घाट पे आके बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पानी में जो एक अजीब सी जो हलचल होती है ना, जैसे बोट जा रहा है, जो आवाज़ आ रही है वो इतना अच्छा लगता है। आप सुबह 5 बजे आइए यहाँ पर, इतना मज़ा आता है आपको देख के कि हर तरफ सिर्फ माहौल ऐसा रहता है कि सब सिर्फ और सिर्फ लोग भक्ति में डूबे रहते हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई पिकनिक भी मनाते हुए आपको नज़र आ जाएगा, आपको दर्शन करते भी नज़र आता जाएगा, खेलते कूदते भी आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। तो एक माहौल ही अपने आप में एक यहाँ इतना अलग सा है कि वो आपको आकर्षित करता है। और स्टिल आई रिमेम्बर, मेरी एक स्टूडेंट थी जापान से आई थी, वो यहीं पर रहती थी, सीखती थी, पढ़ाती थी, सब करती थी, वो हिंदी भी बोलती थी इतना अच्छा। और जब वो जा रही थी यहाँ से, वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी वो वहाँ से, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रो क्यों रही है। और उसने मुझे तभी ये बात की, गुरुजी यहाँ पे एक अलग सा आकर्षण है ना, जो मुझे अभी भी खींचा हुआ और मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ की आबो हवा में और इतना अलग सा इसमें पहचान है कि जो भी आता है वो यहाँ के रंग में रंग जाता है, इसलिए शायद इसका नाम बनारस पड़ा हुआ। और दादी हमेशा कहती थी यहाँ का जो रस है ना, बना हुआ रस है। तो यहाँ अपने आप पैदा हुए हैं अपने आप में, यही बहुत बड़ी बात है। और आप सो लकी कि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं और इतना खूबसूरत शहर हमें मिला है और इसी शहर से हमें पहचान मिली है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसको हम गॉड का शायद गिफ्ट ही मानते हैं कि मुझे यहाँ इस धरती पे भेजा उन्होंने मुझे। थैंक यू सो मच। और आप इस वक्त जो बनारस घराने को रिप्रेजेंट कर, तो ये एक तरीके की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आप निभा रहे हैं और बहुत बखूबी निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनय, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू।